खबर अब असम से है। असम के कामरूप में कोचीटुलू गांव में झड़प हुई है। बंगाली भाषा मुस्लिम से जमीन खाली कराने की कोशिश की गई, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस कर्मियों और गाड़ियों पर हमला किया। हमला करने वाले मियां मुस्लिम यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। हमले में डीसीपी समेत 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ असम से, जहाँ आपको बता दूं कि 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। असम के कामरूप में कोचू टोली में ये जो घटना है वो हुई है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों की गाड़ी पर हमला किया गया है। तो असम के कामरूप के कोची टोलू गांव में ये बड़ा जो घटना है वो सामने आ रही है, जहां बांग्ला भाषी मुस्लिमों से ज़मीन खाली कराने गई पुलिस के ऊपर हमला जो है वो कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के ऊपर हमला किया गया, ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो की जा रही है। तो असम के कामरूप से ये बड़ी खबर आई है, जहां कोचू टोली गांव में झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। बांग्ला भाषी मुसलमानों से ज़मीन खाली कराने की कोशिश की गई, जिस दौरान पुलिसकर्मियों और उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया। हमला करने वालों में मियां मुस्लिम यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल थे। और इस पूरे मामले में अब आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 की मौत हो गई है और 7 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूँ। तो असम के कामरूप जिले में कथित तौर पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। दावा यह है कि भीड़ के हमले में कई अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। सोनापुर अंचल कार्यालय और पुलिस की एक टीम जिले के कोचूटोली गाँव में बंगाली भाषी मुस्लिम ग्रामीणों से भूमि खाली कराने के लिए गई थी। ग्रामीणों को पहले भी यहां से हटाया गया था, लेकिन वो फिर से यहां आ गए थे। अधिकारियों ने बताया कि महिला समेत ग्रामीणों ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों, लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया, जिससे एक मजिस्ट्रेट और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। सोनापुर में हमारा एक ट्राइबल बेल्टन ब्लॉक है। कांग्रेस का जमाना में यह ट्राइबल बेल्टन ब्लॉक का कानून लाया गया कि ट्राइबल बेल्टन ब्लॉक में श्रेणी का लोगों को सिवा और कोई भूमि में वहां बैठ नहीं सकता है। तो ये गैर कानूनी था, हमने उनको एविक्शन किया। फिर कांग्रेस ने काल उनको बहुत सारा इंस्टिगेट किया कि आप लोग को एविक्शन नहीं करना चाहिए था, एविक्शन गलत है। तो ये जो एविक्टेड पीपल है, पहले घर चला गया था उनका जो ओरिजिनल घर है, फिर वो लोग वायलेंट हो गया जब कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया। पुलिस को बहुत सारा वेपन लेके, शार्प वेपन लेके पुलिस को मारा, पुलिस को हमला किया, फिर पुलिस ने रिटालिएट भी किया। अभी ठंडा है, एविक्शन चल रहा है, लेकिन यही लोग रेल पट्टी का ऊपर भी आ गया है। और बांग्लादेश में जैसे नारा लगाया गया था, वही नारा यहाँ लगाया गया है। तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारा फंडामेंटलिज्म घुस गया है। हिमंत विश्व सरकार में कोई कानून का राज नहीं चल रहा है। यहाँ तो पैरेलली गुंडों का और कुछ आरएसएस बीजेपी के कैडर उन लोगों सामने लाके पुलिस वाले इसे चला रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका सर्कल है सोनापुर, वहाँ कोसुतुली गाँव है, वहाँ कुछ लोग है गरीब लोग जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग है और इरोटेड लोग है। ये लोग आके कुछ लोग ट्राइबल बेल्ट में है, कुछ लोग गवर्नमेंट खास लैंड में है, कुछ लोग अपना मेदी पट्टा के जमीन पे है। लेकिन सरकार वहाँ ट्राइबल बेल्ट खाली कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी जमीन पे जो लोग है कम से कम उनको तो रहने देना चाहिए। जब ये लोग लैंडलेस लोग है, लोग जाएंगे कहाँ? इनको तो यहाँ बसने का राइट है, हक है। इनको तो जिंदा रहने का जो अधिकार है उसको आप छीन रहे हो। इनका मानवाधिकार छीन के आप इनको घर को तोड़ के रास्ते के भिखारी बना रहे हो। पहले इनके रिहेबिलेशन का इंतजाम करके फिर उस जगह को खाली करता, हमें कोई आपत्ति नहीं था। असम में एक बहुत बड़ा अभियान हुआ है
जहाँ पे जो है घरों को बुलडोज़र से जो है हिमंत बिश्व शर्मा के सरकार ने जो है तोड़ दिया है। हम जानेंगे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ट्राइबल बेल्ट में घर बनाया था इसलिए तोड़ दिया गया है, और उसके बाद जो है बहुत ही विवाद हुआ है। आप देख सकते हैं हम मौजूद है कोसुतोली एरिया, जो कि सोनापुर एरिया में है, गुवाहाटी के 30 किलोमीटर के पास है कोसुतोली एरिया। यहाँ पे जो है गांव वाले हमारे पीछे हैं, और इनका भी कहना कुछ अलग है, सरकार का भी कहना कुछ अलग है। इनसे भी बात करेंगे इनका क्या कहना है। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे पूरा जो है घर तोड़ दिया गया है। इसमें बहुत एक बड़ा बुलडोज़र एक्शन हमने देखने को मिला है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है गांव वाले रहते थे, उनके अभी भी ये मुर्गियाँ हैं जो घूम रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कैसे इसको सारे घरों को जो है, ये पक्का मकान था, ये पक्का मकान को है जो है हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने कैसे गिरा दिया है, उसी को हम जानेंगे। गांव वालों से भी बात करेंगे आखिर क्या ये एविक्शन ड्राइव है। सरकार का कहना है ट्राइबल बेल्ट में जो है घरों बनाए थे इलीगली, और इनका ये भी कहना है कि घुसपैठी आके यहाँ पे घर बना रहे थे, ट्राइबल का ज़मीन हड़प रहे थे। लेकिन गांव वालों से भी बात करेंगे आखिर में ये क्या है कि यहाँ पे जो है ये इतना बड़ा एविक्शन हुआ, और कौन सच बोल रहा है इसमें, ये भी हम जानेंगे। आपका नाम? मैं फजल अली। हम अभी गांव वालों से बात कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था आखिर। आपका घर कहाँ पे? यहाँ पे ही है घर पे? हाँ, यहाँ पे हमारा घर। तो क्या हुआ, घर कब टूटा घर? गप तो घर कौन सा तारीख में? 9 तारीख में टूटा है। क्या हुआ था? पुलिस आया था, क्या हुआ था? पुलिस आने से तो एक दिन में इलाज करके गया माइक में, तो 2 दिन बाद में उसको सारा तोड़ दिया। अब सरकार का कहना है कि आप लोग ने ट्राइबल बेल्ट में घर मकान बनाया है, तो आपको क्या कहना है उसके ऊपर? हमको उसका तो कुछ नहीं बोला, ऐसे वाला देना है उसका, ऐसे वाला जो है वो खास माटी का वो तोड़ देगा। तो पहली बार खास माटी तोड़ दिया, तो अभी बोला है जो बेल का सोरने होगा। क्या सोना पड़ेगा? बेल का जो माटी है काम का रहता है ना। अच्छा, मेहदी पट्टा, मेहदी पट्टा वो का सोरने। और ये बहुत लोगों ने अभिजुक दिया है आप लोगों के अगेंस्ट कि आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पे घुसा है, ये सच है? हाँ, ये आपको क्या लगता है, सही में यहाँ पे बांग्लादेशी रहता है? इधर में कोई बांग्लादेशी नहीं है उधर। आप आइए, आपको आप यहाँ पे एक अभिजुक दिया है आप लोगों के अगेंस्ट, गांव वालों के अगेंस्ट कि यहाँ पे बांग्लादेशी रखा है, आप लोग ने मानते हैं ये सही बात है कि गलत बात है? बांग्लादेशी आते नहीं, सब डॉक्यूमेंट हमारा से सब डॉक्यूमेंट की गाँव वालों का ये कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट है, और आपका ये कहना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये जो अभिजुक आया है आपके ऊपर कि अभिजुक मैंने खास माटी तो आपको क्या लगता है खास माटी थकब नारे? ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट टाइम क्वेश्चन इतना जो लगे आज आम मेदी माटी नोटिस दी 3 दिन समय दी मानक इतना जी जी दिन का नोटिस दिया है आज राति दी आज रात को दिया है मेदी पट्टार একদম রে ন্যাশনাল হাইরেড বরা যে যিমান মানে সাই আছে সব মানে নোটিস দিছে মিয়া মানু খালি এক এক মতলব আপকা ইয়ে কেনা হ্যায় কি ন্যাশনাল হাইওয়ে জো ইয়াহা পে হ্যায় উসকে সাইড মে জিতনে ভি আপকা ইয়ে অভিযোগ হ্যায় কি জিতনে ভি মিয়া মুসলমান হ্যায় উনকো নোটিস দিয়া হ্যায় এভিকশন নোটিস দিয়া হ্যায় ঘর খালি করনে কে লিয়ে ঘর খালি কি কব দিয়া হ্যায় টাইবল বেল খালি করো আজ রাত কো কাল রাত কো দিয়া হ্যাঁ কাল আজ রাত তক খালি করনে কে লিয়ে রাতি বয় রাতি বয় নেই বলা তো আপ লোগ আবি কিয়া করেঙ্গে আবি কিয়া সোচা খালি করি বলা খালি করি বাই লাগিব रात भी कौन भाई नहीं बुलाए, रात भी मस्जिद में प्लाई फेंक दिया देता है। आपको आप क्या करोगे अभी, क्या कर क्या सोचा है? क्या करेगा अभी तो किधर भी तो हमारा जमीन भी नहीं है, अभी कहाँ जाएगा, इधर भी रहना होगा हमको। सरकार ने आपका जो कहना है कि सरकार ने सारा यहाँ मुसलमान कम्युनिटी को यहाँ से खाली करने के लिए नोटिस दिया है, तो उस पर आप लोगों को क्या राय है, क्या करोगे आप लोग, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएगा, जाने का कोई जगह ही नहीं है इधर में सरकार को, तो यही बात बोलना चाहिए तो हमको इधर में मार दो, सीधा मार दो, उधर भी जाने नहीं सकते। क्या कहते हो, हम तो नहीं बुझता है। इन्होंने इनका ये कहना है कि ये अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं, कहते हैं कि ये इंडियन सिटीजन है इसीलिए आई कार्ड दिखा रहे हैं। लेकिन ये तो बात सही बात है, आप इंडियन सिटीजन है, लेकिन ट्राइबल बेल्ट में जमीन लेना कितना सही बात है ये भी बताइए आप। दिन का तो दिन से कोई बात नहीं, 30 वर्ष हो गए, 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 30-40। तो इनका ये कहना है कि इंडियन सिटीजन है, क्यों हटा रहे हैं और ट्राइबल बेल्ट में रह रहे 30 साल से रह रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि ट्राइबल बेल्ट से घुस पे जो इलीगली लोग रह रहे हैं उनको हटाना है, तो यही जो है
अभी दिक्कत आ रही है कि सरकार का कहना है एक तरफ से कि ट्राइबल बेल्ट में एनक्रोचमेंट हटाना है, और इनका कहना है कि ये बहुत सालों से 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अभी इनको नोटिस आया है कि आज रात तक निकलना है। 3 दिन का टाइम दिया है। कब नोटिस आया था? आज है, मतलब 9 तारीख है, इलेक्शन तो 9 तारीख है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिस्थिति ऐसा है कि एक तरफ से ये जो है पक्का मकान है, इसको गिरा दिया गया है बुलडोजर एक्शन की तरफ से। असम सीएम का कहना ये है कि जो इलीगली लोग जो यहाँ पे ट्राइबल ज़मीन में रह रहे हैं उनको हटाना है, और एक तरफ जो गांव वाले कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ से 30 साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो यही जो मेन इशू है, इसको लेके यहाँ पे बहुत बड़ा एक विवाद हुआ। विवाद में 2 लोगों का जान भी गया, और जो सरकारी ऑफिशियल आए थे उनको भी चोटें लगी। तो इससे जो ये फ्लेयर अप हुआ था, इसके बाद बहुत ही बड़ा यहाँ पे हंगामा हुआ, और अभी इसीलिए हमने आपको दिखाया कि गांव वाले क्या